Mining Support presenting a new topic, Opencast Explosive. Here, various explosive related to Opencast I am discussing here. You just have to listen. This is the proper notes made by me. Here, the first topic is ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil. Ammonium Nitrate Fuel Oil. This is mixed. This is made by the mixture of ammonium nitrate along with fuel oil. Here, the ammonium nitrate and fuel oil mixed in appropriate proportion. When fuel oil, that is diesel oil, when fuel oil, that is diesel oil, by weight 6% mixed to ammonium nitrate, then the mixture will be very efficient to explode. Okay, अब इसमें बाद में चर्चा किया जा रहा है. यदि किसी केस में, इफ इन एनी कंडीशन लाइक ड्राई कंडीशन और ड्राई सीजन, 7 लीटर डीजल ऑयल इज ऑप्टिमम टू मिक्स्ड विथ 100 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन केस ऑफ ड्राई सीजन. लेकिन यही बात यदि हमारा वेट सीजन में आता है, तो वेट सीजन में क्या होता है, 9 लीटर डीजल ऑयल पर 100 केजी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ऑप्टिमम, मतलब कि एक्सप्लोजन के लिए, मतलब एक्सप्लोड कर सकता है, ऑप्टिमम एफिशिएंट हो सकता है. ठीक है, लेकिन यही जानकारी जब हमारा डीजल ऑयल बाय वेट हमारा 8% से अधिक एक्सीड करता है अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो उसका एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी या तो सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाता है इस केस में. ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हमारा क्या है, नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है. अब यहाँ नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव का कहने का मतलब है कि ये बूस्टर सेंसिटिव होता है. ओके, बूस्टर सेंसिटिव, या तो इसको प्राइमर कार्ट्रिज से इसको एक्सप्लोड किया जाता है. ठीक है, बाद में इसको बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन वाटरी होल्स. ये बात जानकारी रखना है कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का, कि वाटरी होल्स में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाटरी होल में जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, डीसेंसिटाइज हो जाएगा. ठीक है, वाटरी होल्स में जैसे ही इसको हम लोग यूज़ करने के लिए ले जाएंगे तो ये क्या होता है ना, डीसेंसिटाइज हो जाएगा. इसका VOD इसका वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जिस जब चर्चा करेंगे तो वो कितना होता है, 3000 से 3500 मीटर पर सेकेंड होता है. साथ ही साथ इसका डेंसिटी जो होता है 0.85, मींस दैट कि ये वाटर से हल्का होता है, वाटर में ये फ्लोट कर सकता है. ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 1 होता है. यहाँ पे डेंसिटी का बात किया गया है, तो डेंसिटी इसका 0.85 होता है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, और चूंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी NFO का भी 1 से कम होता है. यहाँ पे VOD का बात बोला तो 3000 से 3500 मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका जो मिक्सिंग होता है ना, तो मिक्सिंग किससे होता है ना, वुडन सोवेल से इसको मिक्सिंग करते हैं, वुडन ब्लॉक से मिक्सिंग करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि इसको 80 mm से कम होल डाया में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि 80 mm से कम होल डाया यदि रहेगा, 80 mm से कम, तो क्या होगा, वो लेस इफिशियंट होगा. नॉट यूज्ड फॉर स्लीपिंग और हॉट होल्स. कहा जा रहा है कि इसको स्लीपिंग होल्स कहने का मतलब कि ऐसा होल जो कि सेम डे एक्सप्लोड ना करके उसको चार्ज करके छोड़ दिया जाता हो नेक्स्ट डे के लिए, तो ऐसे होल को हम लोग स्लीपिंग होल कहते हैं. ठीक है,
यहाँ पे सॉवेल के लिए 7 दिन होता है, ड्रैगलाइन केस के लिए हम लोग 15 दिन तक हम लोग स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हॉट होल्स में मतलब हॉट स्ट्राटा यदि कोई भी है तो उस केस में हम लोग क्या ANFO का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होता है एक्सप्लोड कर जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना है कि फर्टिलाइज़र जो भी है ANFO के रूप में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने मोर सेंसिटिव बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, अल्मोनियम पाउडर को यूज़ करते हैं ANFO के साथ, ठीक है। अल्मोनियम पाउडर यदि 5% हम यदि ऐड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी मतलब स्ट्रेंथ जो है 13% राइज कर जाएगा, ठीक है, ये बात जान के रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लरी एक्सप्लोजिव, ठीक है। स्लरी एक्सप्लोजिव के बारे में जब जानकारी लेते हैं हम लोग, तो स्लरी एक्सप्लोजिव के बारे में क्या क्या जान के रखना है कि ये किसका किसका मिक्सर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सोडियम और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सर होता है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम या NH4NO3, ठीक है, NaNO3 NH4NO3 इस सब का मिक्सर होता है, किसके साथ, ना फ्यूल ऑयल के साथ। तो फ्यूल ऑयल कितना होता है ना, 15-20% तक होता है वाटर, फ्यूल ऑयल प्लस 15-20% वाटर होता है, सॉरी। मतलब इसमें पहला सोडियम पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड विथ फ्यूल ऑयल प्लस 15-20% वाटर अलोंग विथ अल्मोनियम पाउडर प्लस ग्वार गम, और साथ ही साथ क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो हमारा सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। और इसमें जेलिंग एजेंट के रूप में हम लोग स्टार्च को यूज़ करते हैं, ये सब जान के रखना है, सुन के रखना है, ठीक है। और ये क्या होता है ना, वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिस तरह ANFO का यूज़ हम लोग वाटरी फेस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरे तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लरी एक्सप्लोजिव को वाटरी फेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वाटर रेजिस्टेंस होता है ये, इस बात को जान के रखना है, ठीक है। वाटरी फेस में, वाटरी स्ट्राटा में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेंसिटी यदि बात किया जाए तो चूंकि 1.05 होता है से 1.6 होता है, VOD वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का बात किया जाए तो स्लरी एक्सप्लोजिव का कितना होता है, 3800 से 4000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद इसका जो हमारा बल्क एक्सप्लोजिव के रूप में हमारा यूज़ होता है किस केस में ना, ओपन कास्ट के केस में बल्क एक्सप्लोजिव के रूप में यूज़ होता है, लेकिन परमिटेड एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज के रूप में, परमिटेड एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज के रूप में हम लोग अंडरग्राउंड के केस में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात यदि हमारा बताया जा रहा है कि जब इसको कंप्लीट कर लिए हैं तो हमारे पास आता है एक इमल्सन एक्सप्लोजिव जो कि ANFO स्लरी ANFO के बारे में चर्चा कर दिए, स्लरी के बारे में बेसिक कुछ डिटेल्स बता दिए। इसके बाद हम आते हैं आगे इमल्सन एक्सप्लोजिव के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या पाते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे हमारा इमल्सन में क्या मिलता है, इसमें हमारा ये किस चीज़ का मिक्सर होता है ना, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर प्लस फ्यूल ऑयल, ठीक है। इमल्सन मतलब हम लोग बेसिकली 12th में आप जो पढ़े होंगे कि ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन और ऑयल इन ऑयल इमल्सन, तो यहाँ पे चूंकि समझना है कि ऑयल इन वाटर अलोंग विद मतलब ऑयल इन वाटर इमल्सन भी है और इसमें अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को भी इसमें मिलाया गया है, ठीक है। तो ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जिस तरह से था तो ANFO को वाटर के साथ मिलाया गया, मतलब कि अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस फ्यूल ऑयल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसका VOD जो होता है, VOD सबसे ज़्यादा होता है, और VOD सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि अभी हम स्लरी पढ़ चुके हैं, उसके बाद ANFO पढ़ चुके हैं, देन इमल्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इमल्सन का स्लरी ANFO स्लरी और उसके बाद आता है हमारा इमल्सन, ठीक है। तो इमल्सन का कितना होता है, 4500 टू 5500
मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसका बोलता है कि इसको कास्ट बूस्टर या तो प्राइमर कार्ट्री से इसको एक्सप्लोड किया जाता है, और इसमें यदि सेंसिटिविटी को डिटोनेटर मतलब डिटोनेटर सेंसिटिव बनाने के लिए बेसिक टर्म है यहाँ पे कि इमल्सन एक्सप्लोजिव को डिटोनेटर मतलब कि डिटोनेटर सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम इसमें ना एयर बबल्स को क्रिएट करते हैं बाय गैस इन्फ्यूज़न, और इसको ओपन कास्ट में हमारा बीएमडी बल्क मिक्स डिलीवरी, ठीक है, बल्क मिक्स ड्रिवली बीएमडी ट्रक से इसको पहुंचाया जाता है होल में, इसको मतलब डिलीवर किया जाता है। तो बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएमडी इसका होता है बल्क मिक्स, और इसका होता है डिलीवरी, इसका फुल फॉर्म होता है बीएमडी ट्रक होता है। और ये चूंकि होता है वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसका जो होता है स्लरी एक्सप्लोजिव से भी ज़्यादा, वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी इमल्सन एक्सप्लोजिव का ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात आपको जानना है। इसके बाद बल्क एक्सप्लोजिव का बात आता है, तो बल्क एक्सप्लोजिव मतलब ओपन कास्ट में जितने भी यूज़ होते हैं उसको बल्क एक्सप्लोजिव कहते हैं। इसमें हमारा बल्क एक्सप्लोजिव को जो कि हमारा कास्ट बूस्टर से एक्सप्लोर किया जाता है, कास्ट बूस्टर में हमारा होता क्या है, एक होल में हमारा एक मतलब कि कास्ट बूस्टर में जिसमें हमारा प्राइमरी कार्ट्रिज बनाया जाता है, ठीक है, मतलब डिटोनेटिंग फ्यूज को कास्ट बूस्टर से इन्फ्यूज़ करके बाहर करके हमारा डिटोनेटिंग फ्यूज को बाहर करके डिटोनेटिंग कॉर्ड से मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें हमारा 1:1 TNT और PETN ट्राई नाइट्रोटोलिन और PETN पॉली इरीथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट मिक्सड होता है। इस साथ ही साथ इसमें बोल रहा है कि हॉट स्ट्राटा में हमारा कौन सा इमल्सन एक्सप्लोजिव को प्रोहिबिटेड होता है, मनाही होता है, ठीक है। इस तरह से जितना जानकारी हम आपको दे पाएँ सफिशियंट है, और नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक डिटेल्स को लेकर के चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर फर्दर अपडेट्स।